लाइन देखिए, कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, लॉग एक्स का पावर एन बाई में एक्स डी एक्स, यही ना दिया जी। तो हम लोग यहां पुट कर देते हैं लॉग एक्स का पावर एन को इसको, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, पावर जो एन है ना उसको नीचे नोट कर लेते हैं, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन लॉग ऑफ एक्स बाई में एक्स डी एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। पावर नीचे उतर गया तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर दिए, तो लॉग एक्स को टी मान लिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वन बाई एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स, तो आगे यहां से डी एक्स बाई में एक्स इक्वल टू में डी टी, है ना। चलिए तो एन इसको हमने टी पुट किया लॉग एक्स को, और डी एक्स बाई एक्स क्या आ गया, डी टी आ गया। तो टी का आपको पता है इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और बाई में टू प्लस सी। अब देखिए एन टी स्क्वायर, टी का वैल्यू रख देते हैं लॉग एक्स का स्क्वायर और बाई में टू प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट